मॉर्निंग ग्लोरी के इस फ्लावर के साथ। गुड मॉर्निंग, आप सब अच्छे होंगे और बहुत इंतज़ार कर रहे हैं हमारे बहुत सारे साथी। बार बार कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए सरता जी आपने वीडियो नहीं डाला है, तो अभी अभी बस छत पे आई हूँ। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ये मॉर्निंग ग्लोरी के फूल को देख करके बहुत ही अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आपको दिखाऊं, क्योंकि आप सबको पता है ना कि ये वाली जो मॉर्निंग ग्लोरी का फूल जो खिल रहा है ये वाला, ये बीच से मैंने लगाया था। और जब भी मैंने लगाया था तब आपको दिखाया था। पिछली बार मैंने फर्स्ट पार्ट दिया था एक तरफ के फ्लावर का, लेकिन उस वक्त में बारिश इतनी शुरू नहीं हुई थी और अब बारिश शुरू हो गई है। बारिश शुरू भी ना हो तो भी मौसम अगर इस तरह से मदमस्त करता है, इस तरह से थोड़े से छाएदार मौसम में ये जो आपको रेन लिली के प्लांट से वो फूल देना शुरू कर देते हैं। इनके लिए बस इतनी ही ज़रूरत होती है कि मौसम थोड़ा एहसास दे, छायादार मौसम हो जाए। तो देखिए अभी जितनी पिछली बार मैंने आपको प्लांट्स लगाया हुआ दिखाया था कि इसमें फूल खिलने वाले हैं, अब बिल्कुल बहुत ही अच्छे से फूल ये दे रहे हैं। ये देखिए इधर पूरे 4-5 पॉट में मैंने एक साथ फूल लगाया था, इसके बल्ब्स लगाए थे, और अभी इस वक्त में आज के दिन देखिए कि बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ फूल में ही बीज होते हैं, जैसे इसके येलो कलर वाले में भी बीज होते हैं, तो येलो कलर वाला भी फिर से फूल खिलने वाला है। तो यहाँ जितने भी वाइट वाले थे रेन लिली, उसमें बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। और ये लेंटाना भी लगातार फूल दे रहा है और इसमें भी बहुत सारे फूल है। अब थोड़ा मधुमालती के फूल आने का इंतज़ार मैं कर रही हूँ कि शायद उसमें भी फूल आ जाए। और मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि कृष्ण कमल का की जो बेल है मेरी, इसमें कितने सारे फूल आए हैं, तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए एक फूल यहाँ है, एक ये बैक साइड में है, एक यहाँ है और भी है नीचे की तरफ में। तो इस तरह से बहुत सारे फूल एक साथ ही इसके खिल रहे हैं। सुबह का वक्त है ना, तो इस वक्त में हमें फूल दिखाई नहीं देगा, थोड़ी सी धूप आएगी तो कुछ फूल जो है जब धूप आती है तब दिखते हैं, और कुछ फूल जो है जब छायेदार रहता है मौसम तब दिखते हैं। और अभी मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबको मैं अपने इस बोगनविला का अपडेट दे देती हूँ जिसे मैंने लगाया था। और मेरे साथ हजारों मेरे मित्र, सब्सक्राइबर मित्र जो है, उन्होंने दुआ की थी कि ये प्लांट आपका लग जाए सरिता जी, और सबने कमेंट्स दिया था मुझे कि ज़रूर लग जाएगा, आप भरोसा रखिए। और देखिए कि आखिरकार इसमें आज फूल निकल आया है इस बोगनविला में। अब 1.5 महीना हो गया, जुलाई के महीने में, तारीख मुझे याद नहीं है किस तारीख को मैं लाई थी। और यहाँ ये रात की रानी में भी बहुत फ्लावरिंग हो रही है, देख रहे हैं आप कैसे गुच्छे में फूल इसमें हैं। तो इस तरफ की का अपडेट तो मैंने आपको दिया ही दिया था, और मैंने वादा किया था कि राइट साइड का जो अपडेट है मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो यहाँ देखिए मेरा ये टिकोमा का ये वाला जो ड्वार्फ वैरायटी वाला है, बहुत फ्लावरिंग किया बहुत। और सुबह जब मैं नीचे आती हूँ तो यहाँ कम से कम 8-10 फूल जो है नीचे इस गमले में ज़रूर गिरे हुए मुझे नज़र आते हैं। तो इस तरीके से ये हमेशा ये पेड़ पीला पीला ही रहा, और इतने फूल तो दिख रहे हैं आपको साथ में। इसके साथ अभी कलियां भी आप देखिए कि इसे गुच्छे में, हर बंच में, हर जगह ये कलियां लगी हुई हैं, और जो फिर अभी खिल जाएंगी। इस तरफ राइट साइड में ये भी है, जूही का भी मेरा ये पौधा है, इसमें भी बहुत सारे फूल हो रहे हैं। फूलों के दिन है, वैसे तो हम कहते हैं ना कि बसंत बहार के दिन फरवरी में होते हैं, लेकिन अभी बरसात के जो दिन होते हैं ना, वो भी बसंत बहार जैसे ही हमें एहसास दिलाते हैं। और इसे देखिए, इस गुलमोहर के पौधे को जो मैंने पिछले महीने लगाया था, और मैं इसके लिए भी दुआ कर रही थी कि काश मेरा ये पौधा लग जाए, क्योंकि पिछली बार नहीं लगा था। इस पौधे की खूबसूरती आप देखिए, ऐसा लगता है जैसे स्टेप बाय स्टेप, ये देखिए पहले एक आपको स्टेप दिखाती हूँ, जैसे पहाड़ों पे हम चढ़ते हैं ना, ऐसे घुमावदार पहाड़ होते हैं, और उसकी खूबसूरती को उसी तरीके से आप किसी भी पौधे को सिर्फ पौधे की नज़र से मत देखिए, उसकी खूबसूरती देखिए, उसको सोचिए कि ये इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है, इसमें क्या खास है। इसी तरह से जब मैं ये इस पौधे को देखती हूँ तो इतनी ही खूबसूरती मुझे लगती है। ये देखिए, और ऊपर देखिए कि नई नई बेलें निकल रही हैं, इसकी टहनियाँ निकल रही हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये वाला हमारा कॉर्नर है,
आप सबको पता है कि ये पेंसिल कैक्टस जो है मैंने कटिंग से लगाया था, और एक जगह नहीं, ये जो आपको प्लांट इतना बड़ा दिख रहा है ना, ऐसे तीन प्लांट हो गए हैं, तीन, सिर्फ तीन कटिंग में लाई थी। और जब मैंने कटिंग ला करके लगाया था उस वक्त पेंसिल कैक्टस का वीडियो बनाया था, मेरे आज भी इस चैनल में है वो वीडियो, आपको अगर कभी भी देखने का मन हो तो देखिएगा ज़रूर। मैं प्रूफ के साथ बता रही हूँ कि मैंने पेंसिल कैक्टस जो है वो कटिंग से लगाया था, अपने जहाँ सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ के एक ग्राउंड में से ला करके तीन टुकड़े। और ये वाला यहाँ देखिए, लोलीना के इस प्लांट को वैसे इन लोगों ने इसे अपने दामन में छुपा लिया है, कहते हैं ना जिसे अपने आंचल में छुपा लेना, वैसे ही हमारा ये जो पाम ट्री है उसने अपने आंचल में छुपा लिया है इस लोलीना को। और इनके आंचल को देखिए कैसे झांकती हुई ये खूबसूरत सी इसकी टहनियाँ, पत्ते इतने सुंदर लग रहे हैं। और इसी बड़े वाले प्लांटर में मैंने ये साथ में पर्पल हार्ट लगाया था, तो ये भी मतलब एक दो बरसात में देखिए कितने खूबसूरत फैल गए हैं ये। और यहाँ पे ये फाइकस का लगा हुआ है, और इनके पत्तों का रंग देखिए, इनके पत्तों के रंग को देख करके आपको पता चल रहा होगा कि कितने पत्ते इसके निकले हैं, हरे भरे हैं, और कितना स्वस्थ पौधा है ये। यही पे ये थूजा का प्लांट लगा हुआ है जो मैंने रीपॉट किया था, और मेरा मनी प्लांट है वो तो बहुत ही खूबसूरती से बढ़ रहा है, बहुत सारा बढ़ रहा है, इसे मैंने ऊपर की तरफ बेल इसकी कर दी है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने स्वीट पोटैटो का ये पर्पल वाला लगाया था, दो हैंगिंग में लगाया था, और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हो गया है। सुबह का एक तो मौसम है, 6:30 बज रहे हैं, और साथ में बादल भी हल्के हल्के घिरे हुए हैं। देखिए बादलों को निहारिए ज़रा, ऐसा लग रहा है कि हम बादलों की दुनिया में आ गए हैं। और यहाँ पे यूफोबिया मिली का ये प्लांट भी खूब हरा भरा हो रहा है, और इसी में एक देखिए विंका का पौधा खुद बखुद ही उगाया था। आप सबको पता तो है गार्डनर है कि जो विंका है अगर एक बार अपने गार्डन में आपने लगा दिया तो ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ये वही वाले कटिंग है पर्पल हार्ट के जो मैंने आपको दिखाया था पिछले महीने, ला के मैंने जो लगाया था चार पॉट में, वहाँ सेंटर में रखा था ना मैंने, तो वो उसे उठा के मैंने इसके कॉम्बिनेशन कर दिया था, एक ग्रीन एक पर्पल एंड ग्रीन एंड पर्पल। तो ये पूरी ये जो आप ही देखिए दोनों स्टैंड है हमारा, उस पर इतना सुंदर सा ये लग रहा है। और यहीं पर मैंने ये एरो हेड का भी एक प्लांट रख दिया था, और इस तरह से देखिए कि एक ग्रीन पर्पल कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस वाले में देखिए, ग्रीन वाले में कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं, दिख रहे, देखिए कितने फूलों से ये बिल्कुल यूफोरबिया मिली जो है वो पूरी एक टहनी लदी पड़ी है इसकी। और यहीं पे थोड़े 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 अपने आप से उगे हुए हैं, ये सब हमने लगाया नहीं है बिल्कुल ही। ये भी देखिए, इसमें भी सेंसिवेरिया के पॉट में भी ये प्लांट खुद ब खुद ही आया हुआ है, और इसमें भी खूब सारे फूल होते हैं यहाँ सफ़ेद वाले। और ऐसा लग रहा है कि इन्हें भी मेरे मन के हालात को इन्होंने भी समझ लिया है, क्योंकि अब ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो कैसी कॉम्बिनेशन में मैं प्लांट्स लगाती हूँ, तो देखिए पर्पल के बगल में खुद ब खुद ये सफ़ेद वाला उजला वाला उगाया फूल, और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये मदर ऑफ थाउजेंड्स का ये पौधा इतना खूबसूरत मुझे लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखिए इतना सुंदर सा है, और ये भी, और ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा, मैंने इसके लिए अलग एक ट्रे भी बनाई है, मैं आपको वो भी शो करूंगी। और इसमें देखिए छोटे से खरगोश जी के प्लांटर में मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और बहुत सुंदर ये लगता है देखने में, पता नहीं क्यों इसके साथ मदर शब्द जुड़ा हुआ है इस वजह से या क्या है, ये पौधा मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट करता है, और बिल्कुल केयर की इसकी ज़रूरत भी नहीं है। एक बार पौधा गलती से कहीं से आ गया और आपने इसे रहने दिया अपने बागीचे में, तो आप देखिएगा कि थोड़े दिनों के बाद ही पूरा आपका बागीचा हरा भरा हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा अभी तक जो मैंने एसेसरीज लिए थे उसे अभी तक डेकोरेट नहीं किया है, क्योंकि बरसात का मौसम है और मुझे लगता है कि ख़राब ना हो जाए मेरे पौधे। तो ये वाला कॉर्नर आप थोड़ी सी दूर जाके मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला कॉर्नर एज इट इज़ ऐसा ही लगता है। और इस बार बहुत वर्षों बाद जो है
तुलसी का ये पौधा मेरा इतना घना हुआ है और आप सबको मैंने इसका तरीका बताया था, सीखा भी आप सबसे ही है, और फिर बहुत सारे उन लोगों को मैंने ये तरीका बताया जिन्हें नहीं पता था। आपको मैं क्लोजअप देती हूँ, ज़रा सा आप ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये छोटी छोटी सारी टहनियाँ पूरे, जब से मैंने इसको करीब 1 इंच का पौधा था ला के लगाया था, तब से इसकी मैं प्रूनिंग करती रही, और इस तरह से देखिए कि ये इतना घना हो गया मेरा पौधा, और मैं वाकई बहुत खुश हूँ और आप सबकी शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जो इन्होंने ये तरकीब मुझे बताई। ऐसे ऐसे तो सब लोग सीखते हैं ना, आप सब जो बिल्कुल अब मेरे बाद के गार्डनर हैं वो भी सीख रहे हैं, मैंने अपनी सीनियर गार्डनर से सीखा है, तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि जो नए गार्डनर हैं उन्हें मैं बताती रहूं समय समय पर। और ये पौधा भी देखिए इतना बढ़िया, अभी इस वक्त मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, इसे भी मैंने कटिंग से लगाया था, और बहुत पहले पिछले साल मैं एक इसका पौधा लेके आई थी 20 रुपये का कमलेश नर्सरी से, और उसके बाद से मैंने इसे कटिंग से लगा लगा के इतना घना बनाया है और इतना खूबसूरत। और ये है सारे हमारे, ये वाले प्लांट तो लग ही रहे हैं, इसके नीचे मैंने सोचा था, और देखिए कि इसमें छोटे से पप्स निकल आए हैं, बेबी निकल आया है प्लांट, तो अभी मैं इसे अलग बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे पौधे मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं, इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अब मेरे टेरेस गार्डन में बिल्कुल ही जगह नहीं रह गया है। और ये मधु मालती की खूबसूरती देखिए, एक तो नाम ही इसका इतना खूबसूरत है, और जब आप किसी भी चीज़ को खूबसूरत नज़रिए से देखना शुरू करते हैं ना, तो वाकई वो आपके दिल में बैठ जाती है चीज़, और उतनी ही खूबसूरत नज़र आती है। तो जब भी मैं ये मधुमालती के बेल को देखती हूँ तो ऐसा ही कुछ एहसास मुझे होता है, बस इंतज़ार है कि ये कब थोड़े फूल दे दे तो और इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाए। तो ये पौधे हैं वो हमारे जीवन को हरा भरा कर रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं और हो गया है, ज़रूर देखिएगा आप सब। अब मैं चलती हूँ, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने बागीचे का ख्याल रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।